कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भागवत गीता को, जो मैंने इसे अमेजन से मंगवाया हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसा पैकेज होता है, ऐसे पैकिंग आती है, पैकिंग अच्छी है, थोड़ा घिसपिट गया है उठाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करें। प्लास्टिक के अंदर ये अच्छे से खूब पैक्ड है, कवर्ड है। मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये रहा हमारा पैकेट, अमेजन ने खूब अच्छे से इसको पैक किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच लगे हुए हैं। ये फोकस कर दूँ कैमरा को, ये पंच लगे हुए हैं और ये कुछ यहाँ पे दो टेप भी लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस टेप को हम लोग अलग करते हैं और निकालते हैं यथार्थ गीता को। तो दोस्तों ये फाइनली यहां से खुला और मैं इसके अंदर से इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूं। देखो तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा करके, और मैं इसे धीरे धीरे निकालने जा रहा हूं। इसके अंदर और क्या है, ये है माला, और इसके अंदर क्या है ये देखिए आप, ये कार्ड है, और इसके अंदर ये कार्ड मिला हमको, आप देख सकते हैं, जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और श्री श्री राधा राजबिहारी जी। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड मिला हमको और ये रही माला, आप देखो इसका। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और ये रहा इनका एक पेपर टाइप का है, जिसमें इन्होंने अपना व्यू दिया हुआ है और कैसे आप ऑडियो बुक मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, वही देखते हैं ये भागवत गीता। सॉरी, ये लाइट चमक रही होगी। दोस्तों कुछ ऐसी है हमारी भागवत गीता, ये देख लीजिए अच्छे से पैक्ड है ये पूरा। चलिए इसको भी खोलते हैं हम लोग। पैक्ड निकल गया और ये हमारे सामने फाइनली ये एक बहुत ही पवित्र बुक खुल गई है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। देखिए दोस्तों ये ऐसे खुलेगा, ऐसी बुक है ये हमारी। ये देखिए कुछ रंगीन पिक्चर्स भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं, और बाकी की पूरी जो बुक है इसमें पूरी की पूरी शादी पेज है। और ये जो कवर है हार्ड कवर है, मैंने इसे 189 में मंगाया था, फ्री डिलीवरी था। दोस्तों आपको भी अगर ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसे मंगा सकते हैं। मैं इस बुक की लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। ये है स्टील बर्ड का क्लासिक्स हेलमेट, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसकी लुक और डिज़ाइन और इसमें जो भी मटेरियल लगे हुए हैं बहुत ही हार्ड है, आप देख सकते हैं। इसका जो वाइज़र है उस पर पन्नी लपेटी हुई है, आप इस पन्नी को हटा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। मैंने अभी एक हेलमेट ऑर्डर किया हुआ था स्टील बर्ड का, जो मेरा पार्सल भी आया हुआ है। मैं आज आपको इसको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगता होगा तो मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी की गई है फ्लिपकार्ट के द्वारा। एक्चुअली मैंने इसे शॉपसी से ऑर्डर किया हुआ था, जब इसमें कुछ छूट मुझे मिल रहा था। एक्चुअली मैं इसकी ओरिजिनल प्राइस 1400 रुपये के आसपास होगी, बट मैंने इसे 1100 में इसको लिया था। दोस्तों, प्रोडक्ट के साथ साथ इसकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, ये है स्टील बर्ड का क्लासिक्स हेलमेट, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसकी लुक और डिज़ाइन और इसमें जो भी मटेरियल लगे हुए हैं बहुत ही हार्ड हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो वाइज़र है उस पर पन्नी लपेटी हुई है, आप इस पन्नी को हटा सकते हैं। और इसमें से लिखा हुआ होता है स्क्रैच रेजिस्टेंट, इसका साफ साफ मतलब होता है कि ये स्क्रैच को सह लेगा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा हेलमेट है दोस्तों। अगर आपको भी ये हेलमेट पसंद आया होगा तो आप इसको ऑनलाइन कर देना, ऑर्डर प्लेस कर देना। स्टील बर्ड एक ब्रांडेड कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट बहुत ही मजबूत होते हैं, स्पेशली हेलमेट है। इसकी डिज़ाइन और मजबूती दोनों ही अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी बैक साइड में आपको दोनों तरफ हवा लेने के लिए वेंटिलेटर दिया हुआ है, एक ऊपर है और एक सामने है। ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। अगर अभी ये छूट पे नहीं मिल रहा है तो आप कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, और जब इसकी सेल लगेगी या फिर छूट पे रहेगा तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि मैंने 58 साइज़ का ऑर्डर किया हुआ था और ये मुझे 60 साइज़ का पड़ा हुआ है। एक्चुअली जो ऑल ओवर प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसलिए फ्लिपकार्ट को थोड़ा इसको देखना चाहिए और जो कस्टमर ऑर्डर करता है जिस साइज़ का, उसको उसी साइज़ का देना चाहिए।
बहरहाल आप भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और वाकई में लगता हो कि मैंने मेहनत किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ये कोई फ्री नहीं है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था। आप इसकी पैकिंग को देखिए, इस पे बहुत ही मोटे अक्षर में लिखा हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसे कुछ दिन पहले ही इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया हुआ है और ये पैकेट हमारे पास आया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो इन्फिनिक्स ने इसे अपने से मुझे फ्री में तो नहीं दिया है, ये कोई फ्री नहीं है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था। आप इसकी पैकिंग को देखिए, इस पे बहुत ही मोटे अक्षर में लिखा हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। तो गाइस, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना फोन, ये उसका पेपर कवर और ये देखिए, ये है कार्ड। वेलकम टू ज्वाइन एक्स क्लब। और ये रहा एडाप्टर, जिसमें आपको 2 एम्पियर का एडाप्टर मिलेगा, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। एक यूएसबी मिलेगा। यह है हमारा डिवाइस, देखने में काफी अच्छा है। आपको ये पिन देखने को मिलेगी, जिससे आप स्लॉट ओपन करेंगे सिम कार्ड की, जो ट्रे होती है उसे ओपन करने के लिए है। दोस्तों, इसका लुक बहुत ही प्यारा है, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए, इसमें रैम जो है 4GB और 64GB रोम मिलेगा, आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगी। प्रोसेसर इसमें ऑक्टा कोर 1.82 GHz का मिलेगा, जिसका नाम है यूनिसोक T610। आपको रेयर कैमरा मिलेगा 13 MP का, जिसमें डेप्थ लेंस होगा। फ्रंट कैमरा आपका 8 MP का है। डिस्प्ले आपको मिलेगी, तो मिला जुला के 7 इंच की HD पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सबसे बड़ी बैटरी मिलने वाली है। और ये बैटरी है 6000 mAh की। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बैटरी है, इन्फिनिक्स ने कमाल ही कर दिया। आपको इसमें नेटवर्क सपोर्ट में मिलेगा 4G 3G और 2G। सिम में आपको 2 सिम मिलेंगे, आप इसके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, क्विक चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। और बॉक्स में क्या मिलेगा, आपको एक हैंडसेट मिलेगा, एडाप्टर मिलेगा, टाइप सी केबल मिलेगी। देखिए, ये टाइप सी केबल है, जो आपको इतने कम रेंज में नहीं देखने को मिलेगी, कोई और कंपनी नहीं देने वाली है। आपको इसके साथ बैक कवर मिलेगा, सिम एजेक्टर पिन मिलेगी और आपको क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड मिलेगा। और साथ साथ आपको 1 साल का हेडसेट पे और 6 महीने की गारंटी आपको मिलेगी, सॉरी वारंटी आपको मिलेगी इसके एक्सेसरीज पे। ठीक है दोस्तों, इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो इन्फिनिक्स ने इसका प्राइस 8500 रुपया रखा हुआ है, जो बहुत ही कम है। इतने कम प्राइस में आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे, और भी कोई कंपनी इतना नहीं देने वाली है। और इसका प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है दोस्तों, तो आप भी जाइए और इसे फटाफट ऑनलाइन कर लीजिए, सोचिए मत। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें पबजी जैसे गेम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो मैं इसकी टेस्टिंग भी आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। अच्छा है, पबजी आप प्ले कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ये एक प्रकार का गेमिंग फोन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना,
और अगर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।
मिश्रा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो गाइस, मेरे पास है NB119 यूनिटी का 100 घंटे प्ले टाइम ENCEQ मोड का एक बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ नेकबैंड। तो मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला हूं और इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कितने घंटे चलेगा एक बार आप चार्ज करोगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, आपको इसमें फास्ट चार्ज मिलेगा टाइप सी का। इसमें आपको इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिलेगा। और ये कलर में देखने में पता नहीं अब किस कलर का मिला है मुझे। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। ड्यूअल पेयरिंग है, आप चाहें तो एक साथ इसमें दो डिवाइस को पेयर कर सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग है, ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्टेड है, ये मेटलिक ईयरबड्स है। तो चलिए पहले इसकी हम लोग बॉक्स में देखते हैं इस बॉक्स में है क्या। दोस्तों, आपको ऐसा एक पॉकेट मिलता है, आप देख सकते हैं ऐसा पॉकेट है ये, जिसका आइकन बने हुए हैं। चलिए इसको फाड़ के बाहर निकालते हैं। तो देखिए आपको ये बहुत ही प्यारा सा ये ब्लूटूथ नेक बैंड मिलेगा और इस साइड में आपको ये दो बटन मिल रहे हैं, जिसमें से ये आप देख रहे हैं ये इक्वलाइजर का बटन है। अगर साउंड पुअर आ रही है तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जो है साउंड का बटन है, आप कम या अधिक कर सकते हैं। और ये पावर का ऑन ऑफ बटन है। ये ईयरबड्स हैं, इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक है कि नहीं। देखो पूरा अटैच कर लिया ये। बहुत सी वीडियोज में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर नहीं है ये। आप देख सकते हैं पूरा इसे अटैच कर लेता है, देखो ये ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसका क्वालिटी देखिए, बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ही ठाक है। और ये पूरा प्लास्टिक का, इधर ये वाला हिस्सा जो शुरू वाला हिस्सा है वो प्लास्टिक का है और ये जो है ये फाइबर है। ओवरऑल 421 का मुझे पड़ा है, 421 रुपये का। आप भी अगर चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका 100 घंटा एक बार, मतलब एक बार फुल चार्ज करोगे आप इसे तो कंपनी कहती है कि ये 100 घंटा चलेगा। तो अभी मैं इसको देखूंगा चला करके, फिर मैं एक नई वीडियो इसके बाद बना के बताऊँगा कि आखिर ये कितने घंटा चलता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। मिश्रा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो गाइज, मेरे पास है एरोमा का 119 का ये नेक बैंड ब्लूटूथ वाला है। ऑलरेडी आपको मालूम होगा मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो मैं आज इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या ये लेने लायक है कि नहीं है। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आप देख सकते हो एरेमो का वायरलेस नेक बैंड है NB119 का। इसमें आपको मिलता है 4 स्मार्ट इक्विलाइजर, टाइप सी क्विक चार्ज है, 10 मिनट अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो 5 घंटे आपको ये बैकअप देगा। इट्स ओके। अभी आप देखो इसमें ड्यूअल पेयरिंग दिया हुआ है, मतलब आप एक साथ दो फ़ोन को इसके साथ पेयर कर सकते हैं। और ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन है, मेटलिक ईयरबड है जो बहुत अच्छा है, और IPX4 स्वीट प्रूफ है, पसीना का प्रूफ भी है। अगर पसीना उसीना होता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन है, इन बिल्ट माइक्रोफोन है, यानी इसके साथ आपको अलग से कोई ब्लूटूथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉलिंग वॉलिंग करना है तो आपको आसान रहेगा। स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट गूगल के लिए भी अच्छा है। और ये मुझे पड़ा था 421 रुपये का। इट्स ओके। तो आइए इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या।
दोस्तों ये रहा हमारे सामने, देख सकते हैं आप। एक बार मैंने इसको अनबॉक्स किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये था हमारे पास ये ईयर बैंड, बहुत ही प्यारा सा है। आप देख सकते हैं इधर जो है दो बटन्स दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए ये पावर बटन है ये वाला। मैं इसको अगर होल्ड करता हूँ तो ये देखो ये ब्लू और रेड लाइट जल रही है ना, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। इट्स ओके। अब ये देखो आवाज़ घटाने और बढ़ाने का है। और ये जो है इक्वलाइजर है। कभी कभी क्या होता है कि साउंड अच्छी नहीं आती है, तो इसको हम लोग यहाँ से सेटअप कर लेते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये है इसका ईयरबड। इट्स ओके ना, ये मैग्नेटिक है। तो ये देखिए हमारे सामने ये दो एडजस्टर दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपने लेंथ के अनुसार वायर को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एडजस्टर जो है नीचे करो उसको, यस ये नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। आप अपने सुविधा के अनुसार इसके वायर की लेंथ को कम या अधिक कर सकते हैं। इट्स ओके ना। कुछ लोग कह रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, सब बोल रहे हैं कि इसका जो ईयरबड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी बहुत कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही टाइट है ये बहुत ही स्ट्रांग है। बात करते हैं इसकी बिल्ट क्वालिटी की। तो ये पूरा फाइबर है और इसका पूरा फाइबर ही है। और ये देखो ये प्लास्टिक का है। बिल्ट क्वालिटी में ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। सबसे पहले इसके बैटरी की बात करते हैं। तो इसकी जो बैटरी है बहुत ही मस्त बैटरी है। मैंने इसे अभी तक चार्ज नहीं किया था और इसको मैंने लगातार दो दिन यूज किया तो भी इसकी बैटरी डाउन नहीं हुई। अभी भी स्टिल 30% इसकी बैटरी थी। इट्स ओके ना। तो बैटरी के मामले में बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग वेलिंग कर रहे हैं ट्रेन व्रेन में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, आप इसे बाई कर सकते हैं। अब रहा साउंड क्वालिटी के, तो साउंड क्वालिटी भी ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। बास जो है इसका, बेस इसका थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वो भी चल जाएगा। ये इक्वलाइजर का जो बटन है ना, आप यहाँ से एडजस्ट करोगे ना तो पूरा का पूरा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो देखो इसकी क्या नुकसान है, क्या इसकी कमियां हैं, इसकी मैं बात आपको करने वाला हूं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि अगर मैं इसको जब कनेक्ट कर लिया हूं तो मोबाइल फ़ोन से जब भी मैं वॉल्यूम का बटन दबा रहा हूं तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना कि कान के पर्दे भी उड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी इसको हमेशा लो वॉल्यूम पर ही इसको चालू करना, नहीं तो कान के पर्दे फट जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये कुछ रहा। और देखिए एक और मुझे बहुत बड़ी कमी इसमें दिखी है अरोमा की तरफ से, कि ये जो है ना ये दोनों के दोनों जो लीड हैं इसकी, इसमें से साय की आवाज़ आती है, कभी बीप की आवाज़ आती है, बहुत मतलब थोड़ा सा आती है बीप की, बीप बीप करता रहता है ये, जो अच्छा नहीं लग रहा है। अरोमा का इसको सुधारना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो इसे बाय कर सकते हैं, आपके मन का है। लेकिन मुझे तो ये थोड़ा सा बीप है सुनाई दे रहा है, लेकिन एडजस्टेबल है, पैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। बैटरी के मामले में बहुत ही प्यारा सा है ये, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसकी जो बाइंग लिंक है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप चाहें तो वहां पे डायरेक्ट जा करके इसे बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।
वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वृषा जोन पे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से खरीदा था, तो अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मेरा रहा प्रोडक्ट, इसकी पैकेजिंग अच्छी ही है और इसमें मुझे एक वॉच मिली हुई है, लेड वॉच। ये बिल्कुल मुफ्त में थी दोस्तों, और ये मैंने प्रोडक्ट मीशो से ऑनलाइन किया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी हमारे सामने ये लेड वॉच है और बहुत ही अच्छी दिख रही है, ये मुफ्त में है। आइए इसे हम थोड़ा चालू करके देखते हैं कि कैसी दिख रही है। तो मैंने बटन दबाया और थोड़ा आपको ब्लिंक 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 करके दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये ऐसा ब्लिंक नहीं करता है, कैमरे से कुछ ऐसा करके आता है। अगर आप वास्तव में इसे देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं दिखेगा, पूरा ये एक डायरेक्ट दिखेगा और क्लियर दिखेगा। तो ये बहुत ही शानदार सी वॉच है दोस्तों, आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको मुफ्त मिलेगा। अभी आप इसे जाके ऑर्डर मत कर देना। तो आइए देखते हैं ये किस प्रोडक्ट के साथ हमें फ्री में मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों, देख रहे हैं बहुत ही शानदार पैकेजिंग है इसकी, मीशो ने इसे अच्छे से पैक करके दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। ये है डर्मा केटी नियो की क्रीम, जो खाज खुजली और फोड़े फुंसी में बहुत ही असरदार होती है। दोस्तों, इसे मैंने मेडिकल पे ख़रीदा था, मेरे पास के मेडिकल से। ये एक पीस मुझे 80 रुपये के करीब में पड़ा था, तो मुझे बहुत ही कॉस्टली लगा। तो मैंने क्या किया, इसे ऑनलाइन ट्राई किया, मीशो पे मुझे ये दिखा और मैंने इसको फटाफट ऑर्डर कर दिया। पूरे 6 इसमें क्रीम है। कुछ इस प्रकार से इस पैकेज में हमको मिला। इसके साथ मुझे एक वॉच, लेड वॉच फ्री में मिला। दोस्तों, दांत खाज, फोड़ा फुंसी, एक्जिमा, इन सब में ये बहुत ही असरदार है। दोस्तों, ये डर्मेटिटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही असरदार है। 15 ग्राम का एक इसमें पैकेट है, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल पे बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो चलिए हम लोग इसके प्राइस को देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। दोस्तों, यही सेम पैकेट मुझे मार्केट से मेडिकल में मुझे 80 रुपये का पड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं MRP 88 रुपये है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा कि प्रोडक्ट एक्सपायर भी आ सकता है। दोस्तों, मैंने 2023 में इसे ऑर्डर किया है, अभी देखिए इसका एक्सपायरी डेट 2025 दिखा रहा है। 15 ग्राम है, 88 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ही ये सस्ता पड़ा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ा। ये पूरा का पूरा मुझे 230 रुपये के करीब में पड़ा। इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 38.5 रुपये के करीब में मुझे एक क्रीम मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल है।
ठीक है। और इसके बावजूद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि एलईडी वॉच जो है मुझे मुफ्त में मिले, तो बहुत ही सस्ता है। ऑनलाइन आप मीशो से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वृषा जोन पे। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से एक पैकेट ऑर्डर किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि इस पैकेट में क्या है। दोस्तों फ्लिपकार्ट से मैंने वर्ल्ड मैप को ऑर्डर किया हुआ है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जैसे में UPSC और वगैरह वगैरह एग्जाम्स में, ये वर्ल्ड मैप बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, मैं आपको इसका पूरा प्राइस बताने वाला हूँ कि मुझे ये कितने में मिला था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए हम देखते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग कितने मैप हैं। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है इंडिया पॉलिटिकल मैप जो बहुत ही अच्छा है, इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरे 6 मैप मुझे मिले हुए हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 40 इंच अप्रोक्स है इसकी आप लेंथ कह सकते हैं, और ब्रेथ जो है 28 इंच के लगभग है। तो साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे वॉल पे भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैप है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। तो अब बात आती है कि ये प्राइस इसका कितना है। दोस्तों ये मुझे मिला था 209 में, पूरे 209 रुपए में मिला था। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वृषा जोन पे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टमी ट्रिमर को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसकी विशेषता को बताऊंगा क्या इसके अंदर होता है और ये क्यों मंगाया जाता है। दोस्तों मैं इसमें आपको एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा कि आखिर ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। तो बाकी सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, इसकी प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो मेरे सामने ये जो पार्सल पड़ा हुआ है ये मीशो से आया हुआ है और इसकी पैकेजिंग कुछ खास नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही यूँ इसको लपेट करके दे दिया है। तो मीशो को इसको देखना पड़ेगा कि इसको अच्छे से पैकेट को पैक करके दे ताकि इसमें डैमेजेस कम हो। तो चलिए इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने टमी ट्रिमर जो स्प्रिंग मशीन है ये है। तो इसमें सिंपल एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया हुआ है और ये अपने सामने एक बेल्ट है जिसमें पैर फंसा सकते हैं, और एक डबल स्प्रिंग है जो बहुत ही मजबूत है, मुझे ये बाद में मालूम चला। और यहाँ पे ग्रिप है जिसको आप पकड़ सकते हैं, कुछ खांचे भी बने हुए हैं दोस्तों जिससे छूटने के चांसेस बहुत ही कम है। आपको मालूम होगा कि मैं इसे ऑलरेडी पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ और मैं इसको ट्राई भी कर चुका हूँ, ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से मालूम है। दोस्तों इसकी स्प्रिंग बहुत ही अच्छी है, डबल स्प्रिंग है, बहुत ही अच्छी है और पावरफुल है। मुझे यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसकी जो ग्रिप है, ग्रिप जो है स्लिप करती है, स्लिप मतलब चोट नहीं लगेगा आपको, बस थोड़ा बहुत आपको इसे बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो पैडल है जहाँ पे हम लोग पैर को रखते हैं, पैडल से जो बेल्ट लगी हुई है मेरे एक में से इसे आउट हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है। तो उस बेल्ट को मैंने चिपकाया था फिर भी बाहर हो जा रही है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो इसे देखना पड़ेगा। दोस्तों पैडल पे छोटे छोटे दाने बने हुए हैं जो पैरों की अच्छी तरह से मसाज करते हैं, अच्छा है, पूरा का पूरा ठोस है। बस थोड़ी बहुत इसमें यही प्रॉब्लम है स्लिप करने वाली, और इधर से बेल्ट निकलने वाली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका काम क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका काम है कि जैसे हमारा पेट निकल जाता है तो पेट को क्या कर सकता है, ये अंदर कर सकता है। इसका नाम ही है टमी ट्रिमर, पेट को अंदर करने वाली मशीन है ये। आप यहाँ से एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा करके, आपको दिखाऊँगा भी कैसे एक्सरसाइज करना है आपको और पेट आपका अंदर चला जाएगा। दोस्तों बात आती है इसके प्राइस की, तो ये मुझे मिला हुआ था 207 रुपये का, पूरा इसमें डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं लगा था मेरा, मुझे बल्कि इस पर डिस्काउंट ही मिला था। इसका प्राइस था 230 रुपये जिसमें मुझे 23 रुपये का डिस्काउंट काट करके 207 रुपये का पड़ा था। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पेट को ही नहीं पिचकाता है बल्कि आपके एप्स को बनाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर एक्सरसाइज कर से करते हैं।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों। वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। वृषा जोन के नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट रहे नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वृषा जोन पे। तो आज की हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पार्सल है फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, आज हम इसमें देखते हैं कि आखिर है क्या। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करके देखते हैं। तो ये रहा इसका बैंड, इसे हम हटा देते हैं। और इसके ढक्कन को हम लोग ओपन करते हैं। खुल्ला, दोस्तों इसके कुछ ये अंदर का पैकिंग, आइए इसे निकालते हैं। तो ये इसके बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, मैं इसको साइड कर देता हूं। दोस्तों आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक घड़ी है, आइए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसे पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक टेप मैंने ही लगाया हुआ है। और मुझे इसे रिटर्न करना है। मुझे इसे क्यों रिटर्न करना है मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर घड़ी कैसी है। तो ये सफेद फॉयल में लपेटी हुई है, इसको ओपन करके देखते हैं। बॉक्स को एक तरफ कर देते हैं। फ्रेंड्स ये रहा एक क्लॉक, ये हर्ट कंपनी की है। मैं इसे फोकस कर दे रहा हूं, ये हर्ट कंपनी की है। इसकी जी डिजाइन बहुत ही अच्छी है। इसका कलर मैरून है, और मैरून और हल्का ब्राउनिश कलर का है। और इधर इसमें एक भी सेल नहीं दिया हुआ है,
इस घड़ी का प्राइस 270 रुपए है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। कलर बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लुक है और इसके पीछे कोई भी बैटरी इंक्लूडेड नहीं है, जबकि फ्लिपकार्ट में पहले ही कहा गया था कि इसमें एक बैटरी इंक्लूडेड होगी। देखने में तो बहुत ही अच्छी घड़ी है, आइए इसे चेक करते हैं। मैंने एक ये सेल मंगाया हुआ है जो बिल्कुल नया है, तो मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि घड़ी चल रही है, रुक रही है, रुक रही है, चल रही है, कभी आगे कभी पीछे। ये सेल बिल्कुल ही नया है दोस्तों, मैंने दो तीन सेल कई बार ट्राई किए हैं और ये शुरू में चल रही है फिर रुक जा रही है, तो अभी पता नहीं क्यों फंक्शन करने लगी है और देखिए अचानक चलते चलते फिर रुक जाएगी। तो मुझे ये ऐसी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे इसे वापस करना है। मैंने फ्लिपकार्ट से रिप्लेसमेंट ऑर्डर दे दिया है और मैं इसको वापस कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सेल लगा हुआ है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर हो सकता है इसके मोटर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं इसे वापस कर दूंगा। दोस्तों एक बात और आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस घड़ी के साथ साथ एक सेल भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए फ्लिपकार्ट को चाहिए कि जितना मेंशन कर रहा है उसके अंदर तो वो सारा चीज़ उसे अपने कस्टमर को देना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।